हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो भाइयों पहली अपडेट जो है वो एमिवे की तरफ से आ रही है। तो भाइयों एमिवे का ट्रैक आउट हो चुका है जिसका नाम है अस्सलाम वालेकुम। तो ज़्यादातर लोगों ने तो गाना सुन ही लिया होगा, तो कैसा लगा है आप लोग को मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग। और मैं अपना बताऊँ कि मुझे कैसा लगा है, तो मुझे म्यूज़िक खास करके पसंद आया जो फ्लैम बॉय ने दिया है। इसके अलावा मुझे एमिवे की वर्स भी अच्छे लगे हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये एक डिस्ट्रैक है या फिर नहीं, तो जी नहीं, मुझे तो कहीं से भी ये डिस्ट्रैक नहीं लगा है। बाकी आप लोग को अगर लग रहा है तो मुझे बता सकते हो कि कौन सी लाइन में लग रहा है। इसके अलावा जो डिस एक्सपेक्ट कर रहे थे इस ट्रैक में, थोड़ा और वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। सबलिमिनल्स आने वाले हैं ये तो पक्की बात है, पर अब वो कौन से ट्रैक्स में होंगे ये इंतजार करने पे ही पता चलेगा। और हाँ, एमिवे ने अपने इंस्टाग्राम में थोड़ी देर पहले कुछ स्टोरीज भी डाली है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। म्यूजिक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, डजंट नीड एड्स और प्रमोशन टू मेक इट बिग, वी प्रूविंग इट, नो एड्स नो प्रमोशन, इट्स ऑल ऑर्गेनिक, फिफ्थ ऑन ट्रेंडिंग, मिलियन प्लस व्यूज इन 7 आवर्स, और कोई है क्या ऑर्गेनिक और इंडिपेंडेंट, है तो बताओ करके दिखाओ, थैंक यू माय पीपल, बंटाई की पब्लिक। इसके बाद से उन्होंने एक और स्टोरी डाली है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिक बंटाई की पब्लिक, बोले तो तकलीफ लेस, अभी फर्क भी नहीं पड़ता, पूरा गेम बदल दिया, 24 का लड़का, और उन्होंने मिंटा को टैग करा है। तो एमिवे की बात चली रही है तो रणवीर पाजी के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे कि रणवीर पाजी ने कहा था कि वो अपने यूट्यूब चैनल से लाइव आएंगे आज सुबह, और वो एक फ्री स्टाइल करने वाले 3 घंटे तक। तो जी हाँ, वो लाइव तो आए थे पर वो लेट हो गए थे थोड़े, 12 बजे करीब वो लाइव आए थे और 1 घंटा उन्होंने फ्री स्टाइल करा है। तो आप लोग जाके देख सकते हो, वो उसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने पूरा नहीं देखा है तो मैं बता नहीं सकता आप लोगों को कि एग्जैक्टली उन्होंने डिस करा है एमिवे को या फिर नॉर्मल वो फ्री स्टाइल कर रहे थे। तो जिन्होंने भी देखा एक बार बता दो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग। तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो कृष्णा की तरफ से आ रही है। तो भाई कृष्णा का एक ट्रैक आने वाला है जो कि एक कोलैबोरेशन होगा हाई रेज के साथ में, और गाने का नेम होने वाला है क्रॉस रोड्स। और हाई रेज ने अपने इंस्टाग्राम में ये स्टोरी डाली थी और वहाँ पर उन्होंने ये कोलैबोरेशन कन्फर्म कर दिया है। तो जल्दी ये गाना आप लोग को देखने को मिलेगा। तो जैसे ही इसकी डेट्स और पोस्टर वगैरह रिलीज होते हैं तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा कृष्णा का एक और ट्रैक आने वाला है रफ्तार के साथ में, आप लोग को पता होगा कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को अपडेट भी दी थी। गाने का नेम है SYK और ये आने वाला है 29 सितंबर को। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो रफ्तार की तरफ से आ रही है। तो भाई कुछ दिनों पहले मैंने आप लोग को एक अपडेट दी थी कि रफ्तार जो है वो कोविड पॉजिटिव आए, तो उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में कुछ स्टोरीज भी डाली थी, अगर मेरे पास अवेलेबल होगी तो मैं आप लोग को दिखा दूंगा यहाँ पे। तो फिलहाल एक गुड न्यूज़ है और रफ्तार जो है वो कम्प्लीटली नेगेटिव हो चुके हैं और उन्होंने ये स्टोरी डाल के बताया, थैंक यू फॉर द विशेस, रिकवर। तो अब नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो अपडेट है वो MC हीम की तरफ से आ रही है। तो भाई कल MC हीम का एक ट्रैक आने वाला है जो कि आप लोग को सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर मिल जाएगा कल। अब YouTube का मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि वो YouTube पे भी कल ही आएगा, पर सारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आप कल ये सुन सकते हो। गाने का नाम है गुम और पोस्टर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, रेवेटर म्यूजिक के साथ में ये गाना होने वाला है और ये एक लोफाई ट्रैक होने वाला है जैसे कि MC हीम कुछ टाइम से रिलीज भी कर रहे हैं। तो अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट ट्रैक जो है उसका नाम है लुट गईया बाय शिवानी फीचरिंग दीप हॉक्स। तो ये ट्रैक आप लोग जाके सुन सकते हो, ये एक R&B ट्रैक है और इसके लिरिक्स दिए हैं दीप हॉक्स ने और पूरा गाना गाया है शिवानी ने, काफ़ी अच्छा गाना है, मुझे बहुत ही पसंद आया है और मैं तो इसको लूप में सुनने वाला हूँ। और मैं आप लोग को भी रिकमेंड करूँगा कि एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करना। इसके अलावा शिवानी ने भी बहुत ही अच्छी सिंगिंग करी है, तो आप लोग जाके सुनो। तो बस दोस्तों आज के लिए इतनी ही अपडेट्स थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।